हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स खिलाड़ी। सो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस प्रोसीजर एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द एमसीक्यूज। तो फर्स्ट है डाक। डाक क्या होता है? एक ऑल कम्युनिकेशन रिसीव्ड इश्यूड बाय एन ऑफिस डिपार्टमेंट, इसको डाक कहा जाता है। क्लासिफाइड डाक क्या होता है? डाक बेयरिंग अ सिक्योरिटी ग्रेडिंग, जो कॉन्फिडेंशियल होता है या सीक्रेट होता है, उसको हम क्लासिफाइड डाक बोलते हैं। डीलिंग हैंड क्या होता है? एनी फंक्शनरी एंट्रस्टेड विद द इनिशियल एग्जामिनेशन। डीलिंग हैंड वो होता है जो डाक को इनिशियली एग्जामिन करता है, उसको हम डीलिंग हैंड बोला जाता है। डीआरओ क्या होता है? डिपार्टमेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, ऑफिसर नॉमिनेटेड अंडर द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइल। फाइल की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट असाइंड अ नंबर एंड कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, नोट्स, करस्पॉन्डेंसेज, अपेंडिक्सेस टू नोट्स या करस्पॉन्डेंसेज, ये पार्ट होते हैं एक दो फाइल को कंसिस्ट करते हैं। एफआर क्या होता है? एफआर होता है फ्रेश रिसिप्ट, एनी सब्सिक्वेंट रिसिप्ट ऑन अ केस विच ब्रिंग्स इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको हम फ्रेश रिसिप्ट बोलते हैं। देन कम्स आईएफसी, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलेशन काउंटर, अ फैसिलेशन काउंटर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट टू सिटीजन्स स्लैश क्लाइंट्स अबाउट द प्रोग्राम, स्कीम्स, स्टेटस ऑफ केसेस एंड एप्लीकेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। मिनट क्या होता है? अ नोट रिकॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर और अ मिनिस्टर, उसको मिनट कहा जाता है। और इसके अलावा मिनट्स होता है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो मिनट्स होता है रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग डिस्कशन, जो किसी डिस्कशन या मीटिंग के बाद जो एंड में उसका रिकॉर्ड किया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हुए और सब, मतलब उसका ओवरव्यू, कंक्लूजन क्या निकला, उसको हम मिनट्स बोलते हैं। देन कम्स पीयूसी, पेपर अंडर कंसिडरेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डीओ भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने पीछे किया था एफआर, वो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो आपको इन डेफिनेशन, मतलब इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अ रिसीप्ट पर्टेनिंग टू अ केस, द कंसिडरेशन ऑफ विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस। देन कम्स डीओ, डेमी ऑफिशियल लेटर यूज इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर इन्वाइटिंग देयर पर्सनल अटेंशन ऑन द इशू, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा लिखा जाता है आपस में किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये लेटर है और ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो लेटर क्या होता है? यूज फॉर करस्पॉन्डिंग विद स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हेड्स ऑफ अटैच एंड सबॉर्डिनेट ऑफिसेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, पब्लिक बॉडीज एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक जनरली। अ लेटर बिगिंस विद द सैल्यूटेशन सर मैडम एज मे बी एप्रोप्रिएट। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑफिस ऑर्डर क्या होता है। नॉर्मली यूज फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शन मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रांट ऑफ रेगुलर लीव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग ऑफिसर्स एंड सेक्शंस, अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। मतलब ऑफिस ऑर्डर होता है पर्टिकुलर एक ऑफिस में जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है अपने स्टाफ को, वो जब लिखा जाता है तो उसको ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं और ये इसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ऑर्डर क्या होता है। जनरली यूज फॉर इशूइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस एंड फॉर कम्युनिकेटिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन डिसिप्लिनरी केसेस टू द ऑफिशियल कंसर्न, तो इसको हम ऑर्डर बोलते हैं और इसका ये फॉर्मेट है। नेक्स्ट आता है ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। जनरली यूज फॉर करस्पॉन्डिंग विद द अदर डिपार्टमेंट्स और इन कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर और From or conveying information to its employees, it may also be used in corresponding with attached and subordinate offices. It is written in third person. ये बात important है, आपको ये पता होना चाहिए। And bears no salutation. इसमें कोई salutation नहीं होता है, sir, madam कोई नहीं है। Supersession except the name and designation of the officer signing it. मतलब इसमें डेजिग्नेशन होगी और ऑफिसर का नाम होगा, उसके अलावा कोई रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, मैडम, ये सब कुछ नहीं होगा सैल्यूटेशन। और थर्ड पर्सन में ये लिखी जाएगी और ये लिखी जाती है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते समय, ऑफिस मेमोरेंडम। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए और फॉर्मेट इसका ऐसे होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नोटिफिकेशन। मोस्टली यूज इन नोटिफाइंग प्रोमिलगेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन ऑफ गजेटेड ऑफिस थ्रू पब्लिकेशन इन द गजट गजट ऑफ इंडिया। तो मतलब नोटिफिकेशन सिंपली वो दिखाया जाता है कि कोई स्टैट्यूटरी रूल्स के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में, कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है, किसी का प्रमोशन हुआ है किसी पोस्ट से, तो वो शो करने के लिए नोटिफिकेशन निकाली जाती है और ये इसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेजोल्यूशन।
दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज फॉर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इन इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ पॉलिसी द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मतलब यहां तक ठीक है, हम ये पता चल जाता है हमें कि कम्युनिकेशन निकाली जाती है गवर्नमेंट की किसी इंपॉर्टेंट मैटर को मतलब वो करने के लिए, बताने के लिए, ये इसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रेस कम्युनिके एंड स्लैश नोट। दिस फॉर्म इज यूज व्हेन इट इज प्रपोज टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू अ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। किसी गवर्नमेंट के डिसीजन को वाइड पब्लिसिटी देनी हो जब। अ प्रेस कम्युनिके इज मोर फॉर्मल इन कैरेक्टर देन अ प्रेस नोट एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रोड्यूस इंटैक्ट बाय द प्रेस। मतलब अगर ये इसमें ये कहना चाहते हैं प्रेस कम्युनिके होता है ये ज्यादा फॉर्मल होता है प्रेस नोट से, और जैसे कोई गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट ऑफिस न्यूज़पेपर को देगा उनको वैसे के वैसे उसको प्रिंट करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड प्रेस नोट ऑन द अदर हैंड इज इंटेंडेड टू सर्व एज अ हैंडआउट टू द प्रेस विच मे बी एडिट कंप्रेस और एनलार्ज इट एंड डीम्ड फिट एज डीम्ड फिट। तो मतलब प्रेस नोट वो होता है कि जैसे गवर्नमेंट बॉडी देगी न्यूज़पेपर को तो न्यूज़पेपर वाले उसमें से कुछ भी मतलब अपनी तरीके से एडिट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं मैटर को और फिर पब्लिश कर सकते हैं। तो इसका सिंपली मतलब ये है प्रेस कम्युनिके एंड नोट इसको बोलते हैं, ये इसका फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एंडोर्समेंट क्या होता है। दिस फॉर्म इज यूज व्हेन अ रिसीप्ट हैज टू बी रिटर्न इन ओरिजिनल टू द सेंडर और द रिसीप्ट इन ओरिजिनल और इट्स कॉपी इज सेंड टू अनदर डिपार्टमेंट और ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन अ कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रपोज टू बी फॉरवर्डेड टू पार्टीज अदर देन द वन टू विच इट इज एड्रेस्ड। तो इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट और ये इसका फॉर्मेट होता है। तो नेक्स्ट अब हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी हम जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं ऑफिस प्रोसीजर से उनको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय डीओ लेटर। ऑप्शन ए डायरेक्ट ऑफिस लेटर, बी डेमी ऑफिशियल लेटर, सी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लेटर या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा डेमी ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्सक्रिप्शन टू बी मेंशन इन द डीओ लेटर एट द एंड ऑफ द लेटर। तो इसमें मेरे ख्याल से सैल्यूटेशन होगा, राइट। तो देख लेते हैं हम ऑप्शंस इसका, योर्स ओबिडेंटली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली एंड योर्स सिंसियरली। तो जो डीओ लेटर होता है, डीओ लेटर होता है, हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था, डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं इसको। तो इसमें यूज किया जाता है ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, योर सिंसियरली यूज किया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, आगे जैसे हमने डेमी ऑफिशियल लेटर का यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है और डेफिनेशन दी हुई है कि इट इज जनरली यूज इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर इनवाइटिंग देयर पर्सनल अटेंशन ऑन अ इशू। किसी इशू पे पर्सनल अटेंशन दिखाने के लिए ये यूज किया जाता है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो सिंस डेमी ऑफिशियल लेटर इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है ये इन अ पर्सनल एंड फ्रेंडली टोन, इट शुड बी एड्रेस्ड बाय द ऑफिसर इन अ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हु इज ordinarily not more than one or two levels below the officer to whom such communication is addressed। तो मतलब किसी भी जिस ऑफिसर को लिखा जा रहा है या एक या दो लेवल ऊपर नीचे होने चाहिए, मतलब उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकते, बराबर का उनका लेवल होना चाहिए जो आपस में ये लेटर और कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन टू नॉन ऑफिशियल कैन ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ डेमी ऑफिशियल लेटर। इसके अलावा द कलर कोड एंड यूज ऑफ नेशनल एम्बलम ऑन डीओ लेटर विल बी एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये इसका फॉर्मेट देख लिया हमने, इसमें माई डियर डियर श्री यूज होता है, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि डेमी ऑफिशियल लेटर का एक वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है और इसमें पर्सनल और फ्रेंडली वे में लिखा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वॉट इज द सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन इन द मेमो। ऑप्शन ए सर योर सिंसियरली, योर फेथफुली सर, डियर सर, योर सिंसियरली, नो सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन। तो मीमो में जो यूज होता है वो ऑप्शन डी होता है, नो सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वॉट इज मेंट बाय यूओ नोट। ऑप्शन ए अर्जेंट ऑफिस नोट, बी अनऑफिशियल ऑफिस नोट, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा अनऑफिशियल ऑफिस नोट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो इसमें यूओ का दिया हुआ है इंटर डिपार्टमेंटल नोट बोलते हैं इसको, अर्लियर रेफर टू एज यूओ नोट, पहले इसको अनऑफिशियल ऑफिस नोट बोलते थे, अब इसको इंटर डिपार्टमेंट नोट कहा जाता है, ये इसका फॉर्मेट है। इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, जनरली इंप्लॉयड फॉर ऑब्टेनिंग द एडवाइस व्यूज कॉन्करेंस
और कमेंट्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स ऑन अ प्रपोजल और इन सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रूल्स इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा. इट मे बी ऑल्सो बी यूज बाई डिपार्टमेंट वेन कंसल्टिंग इट्स अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज एंड वाइस वर्सा. द इंटर डिपार्टमेंटल नोट मे आइदर बी रिकॉर्डेड ऑन अ फाइल और ई फाइल वेयर टू डिपार्टमेंट्स हैव कनेक्टिविटी रेफर टू अनदर डिपार्टमेंट और मे टेक द फॉर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड नोट. तो ये इसकी डेफिनेशन है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन. वॉट इज सी आर यू? ऑप्शन ए सेंट्रल रिकॉर्ड यूनिट, बी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट, सी सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट, डी कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द यूनियन. तो इसका राइट ऑप्शन है बी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट इज फुल फॉर्म ऑफ एफ आर? जैसे हमने आप स्टार्टिंग में डेफिनेशन में देखा था वहीं से एक क्वेश्चन बनाए तो आप सबको याद भी होगा. ऑप्शन ए है फ्रेश रिसीट, बी है फाइल रैंकिंग, सी है फॉर्म रेफरेंस, डी फुल रिकवरी. तो इसका राइट आंसर है फ्रेश रिसीट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ रिसीट नंबर जनरेटेड फॉर अ डॉक कंटेन्स ए यूनिक नंबर, बी सेक्शन कोड, सी एनी वन ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर होगा एनी वन ऑफ द अबव. उसमें एक यूनिक नंबर भी हो सकता है, सेक्शन कोड भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज पीयूसी? पीयूसी ये भी हमने डेफिनेशंस में देखा था. ऑप्शन ए पेपर अंडर कंट्रोल, बी पावर अंडर कंट्रोल, सी पेपर अंडर कंसिडरेशन या डी पब्लिक यूनियन कमिटी. तो इसका राइट आंसर होगा पेपर अंडर कंसिडरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक? इनमें से कौन सी रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक का मोड नहीं है? ऑप्शन ए फिजिकल मोड, बी मैनुअल मोड, सी इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड डी है ट्रांजिशन मोड. तो इसका राइट आंसर होगा मैनुअल मोड. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ट्रांजेक्शन मोड? प्रोसेसिंग ऑफ रिसीप्ट्स एंड फाइल डन इलेक्ट्रॉनिकली. ऑप्शन बी रिसीप्ट्स आर डन इलेक्ट्रॉनिकली. ऑप्शन सी प्रोसेसिंग ऑफ रिसीप्ट्स एंड फाइल्स डन फिजिकली एंड ट्रैकिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली एंड डी ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस्ड. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रोसेसिंग ऑफ रिसीप्ट्स एंड फाइल्स डन फिजिकली एंड ट्रैकिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल नंबर सिस्टम? ऑप्शन ए फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम, बी कन्वेंशनल फाइल नंबर सिस्टम, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज. तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम भी होता है और कन्वेंशनल फाइल नंबर सिस्टम भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज अ फाइल रजिस्टर? अ रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स इन द मिनिस्ट्री, अ रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, अ रिकॉर्ड ऑफ मूवमेंट ऑफ फाइल्स या रिकॉर्ड ऑफ मिसिंग फाइल्स. तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ए रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश एम्स एट मेकिंग पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, बी कन्वर्सेशन, सी कॉम्बिनेशन या डी कनेक्शन. तो इसका राइट आंसर है कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश रेफर्स टू लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स. ऑप्शन ए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड डी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका राइट आंसर होगा फाइल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. डैश इटसेल्फ इज अ फाइल ओन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑप्शन ए डाटाबेस, बी लॉजिकल फाइल, सी रिकॉर्ड एंड डी डायरेक्टरी. इसका राइट आंसर है डायरेक्टरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कम्युनिकेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट इज मेड बाय. जो फॉरेन गवर्नमेंट होती है उससे कम्युनिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो जैसे आप सबको पता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वाई लेफ्ट मार्जिन फॉर द फ्रंट पेज एंड राइट मार्जिन फॉर द सेकेंड पेज लेफ्ट इन द नोट फाइल्स एंड ड्राफ्ट्स. ऑप्शन ए फॉर राइटिंग रफ, B for calculation, C for officer's comments, D for stitching without disturbing the matter and for referencing. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन D for stitching without disturbing the matter and for referencing. जो भी हम मार्जिन छोड़ते हैं साइड में वो इसी लिए छोड़ा जाता है ताकि उसको बाद में अच्छे से स्टिच किया जा सके और जो मैटर हमने लिखा है वो उसमें डैमेज ना हो जाए या कवर ना हो जाए उससे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the agency of the central government that disseminates information regarding government policies and projects to the media in India? Option A PTI, option B AIR,
ऑप्शन सी पीसीआई एंड ऑप्शन डी पीआईबी। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिनको इन सब का आइडिया होगा, ये सब क्या होती हैं, डेफिनेशंस मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बता दें, जैसे पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एआईआर का होता है ऑल इंडिया रेडियो, ये जैसे आप सबको पता होगा, एंड पीसीआई होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड लास्ट पीआईबी होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसका राइट आंसर भी यही है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इंपार्टिंग ए ट्रेनिंग, बी इंफॉर्मेशन, सी नॉलेज एंड डी मैसेज। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर होगा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉय इज सॉट टू गेट डैश अंडर द प्रोविजंस। ऑप्शन ए क्लेरिफिकेशन, ऑप्शन बी एक्सेप्शंस, सी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा क्लेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 75%। तो इसका राइट आंसर है गाइस सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु विल रिसीव डाक व्हेन द एड्रेसी ऑफिसर इज ऑन लीव स्लैश टूर स्लैश रिटायर्ड या ट्रांसफर्ड। तो इसका ऑप्शन ए है हिज सक्सेसर, बी हिज पर्सनल स्टाफ, सी द लिंक ऑफिसर या एनी वन ऑफ द अबव। तो इसमें से राइट इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एनी वन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी उसको रिसीव कर सकता है, अगर जो एड्रेसी ऑफिसर है वो लीव पे है या टूर पे है या रिटायर हो चुका है या ट्रांसफर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कैटेगरी ऑफ डाक विल बी रिसीव बाय द एड्रेसी हिमसेल्फ एट हिज रेसिडेंस आउटसाइड द ऑफिस आवर्स अंडर इंटीमेशन इन एडवांस। डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग, ऑप्शन बी डाक विद पर्सनल ग्रेडिंग, यहां ग्रेडिंग आएगा, ऑप्शन सी डाक मार्क्ड एज इमीडिएट एंड एड्रेस बाय नेम, एंड ऑप्शन डी क्लासिफाइड डाक एड्रेसेस बाय नेम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ऑप्शन सी डाक मार्क्ड एज इमीडिएट एंड एड्रेस बाय नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाक इज टू बी डेल्ट विद फर्स्ट। ऑप्शन ए डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग, डाक मार्क्ड एज टॉप सीक्रेट, ऑप्शन सी डाक विद सिक्योरिटी मार्किंग एज कॉन्फिडेंशियल, ऑप्शन डी डाक मार्क्ड एज रिस्ट्रिक्टेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग, उसको पहले खोला जाएगा और चेक किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। व्हाट इज टू बी चेक्ड बाय द सीआरयू एंड आईएफसी ऑन ओपनिंग ऑफ डाक। ऑप्शन ए द एड्रेस ऑफ द डाक, ऑप्शन बी द ड्यू डेट फॉर रिप्लाई, ऑप्शन सी चेक वेदर सिक्योरिटी ग्रेडिंग इज गिवन, एंड ऑप्शन डी चेक द एनक्लोजर्स एंड इंडिकेट एनीथिंग मिसिंग इन द डाक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब उसमें चेक किया जाएगा सारे इंक्लोजर और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको मिसिंग इंडिकेट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आज के एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये वीडियो मैंने काफी अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करके कंपाइल करके इंफॉर्मेशन को बनाई है, तो काफी मेहनत लगी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट इससे भी इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर, जो इसी का पार्ट है, उसको हम लेके आएंगे, जिसमें हम एलटीसी एंड टीएडीए रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वो देखेंगे, जो ट्रैवलिंग रूल्स एंड जो लीव रूल्स होते हैं वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।